नमस्कार दोस्तों, मैं फारूकी सोलर स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम डीसी मोटर में डायरेक्ट प्रवाह प्रसार करने वाले हैं। फिर देखते हैं हम कि डीसी मोटर का हल क्या होता है और वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपने पिछली वीडियो में देखा हो तो मैंने एक पेंसिल सेल को डीसी एक पेंसिल सेल के अंदर भी प्रवाह प्रसार करा था, एसी प्रवाह प्रसार करा था, वो भी बिल्कुल फट चुका था जैसे आपने वीडियो में देखा हो। तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें कि इससे कोई चोट भी लग सकती है और घर पे आग भी लग सकती है, इसलिए आप इसे घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कॉमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि मेरा बोर्ड चालू है कि बंद, इसलिए मैंने एक लाइट लगा दी है छोटी सी। अब इस डीसी मोटर को मैं फटाफट से अटैच कर दूंगा और फिर स्विच ऑन करके देखता हूँ। मैंने अटैच कर दिया, स्विच ऑन करके देखूंगा कि क्या होता है डीसी मोटर का और एक्सपेरिमेंट में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। वाकई दोस्तों, कमाल का एक्सपेरिमेंट था और हमको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही मज़ा आया, और आपको देखने में कितना मज़ा आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं कि डीसी मोटर का हल क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि डीसी मोटर का एक वायर तो बोर्ड में ही रह चुका है और एक वायर बिल्कुल सही सलामत है। जिस वायर में से प्रवाह प्रसार हुआ था वो वायर तो बिल्कुल चल चुका है, मोटर का हल बहुत ही ख़राब हो चुका है। मोटर जल चुकी है अंदर से और गर्म भी हो चुकी है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते